assalam viewers. my name is Rizwan Chima and welcome back with another video of capital smart city, this video is about executive block C or executive block C recorded video, this is the first ever video of executive block C. और इस वीडियो के शुरू में जो मैंने कुछ टाइम लैप्स ऐड किए हैं ये ओवरसीज़ वन में सी ब्लॉक में जो लेक्यू हाइट्स हैं वो बन रहे हैं और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर चहान डैम की सराउंडिंग में जो काम हुआ है और वो उसकी लेवलिंग का काम हो गया है ब्लॉक बी और ब्लॉक सी की साइड पर उसके टाइम लैप्स हैं और अभी इस वक्त हम स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं वो है एगजैक्टिव ब्लॉक सी की और एग्जैक्टिव ब्लॉक सी में जो बेसिकली डेवलपमेंट का स्टेटस है इस वक्त वो ज़ीरो है बल्कि आपके सामने आप खुद जज कर सकते हैं कि एक्जेक्टिव का स्टेटस क्या है एक्जैक्टिव ब्लॉक सी की जब बैलेटिंग बल्कि 2019 के एंड पे दिसंबर में जब बैलेटिंग हुई थी और इवेंट में कुछ स्लाइड शो भी दिखाया गया था किस ब्लॉक में कितना काम हो गया इनफैक्ट मैं वो पार्ट ऐड भी कर देता हूँ के मुखलिफ ब्लॉक की परसेंटेज बताई गई थी तो लास्ट में बिल्कुल एक्जेक्टिव ब्लॉक सी मैंशन है तब इसमें मैंशन था प्लान फोर पॉइंट एट जीरो परसेंट और एक्चुअल फाइव पॉइंट सेवन एट परसेंट और जो ओवरसीज का ब्लॉक बी और बाकी ब्लॉक दिखाया गया तब आप देख सकते हैं इस वक्त करंटली एक्जैक्टिव ब्लॉक सी की सूरत हाल यह कि एक्जैक्टिव ब्लॉक सी में कुछ भी काम नहीं हुआ और ट्वेंटी ट्वेंटी के एंड तक इसका पोजेसन जो है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक्जेक्टिव ब्लॉक का पोजेसन तब पॉसिबल हो सकता है बी सी ब्लॉक का कि जब इस वक्त तक सी ब्लॉक में एटलीस्ट कटिंग और फिलिंग वाला काम जो काम है कंप्लीट हो गया होता अभी इस वक्त बेसिक अर्थवर्क जो है वो भी स्टार्ट नहीं हुआ एग्जैक्टिव ब्लॉक सी में जब भी इंशाल्लाह स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली मैं इसकी वीडियो बना दूँ लेकिन फॉर द टाइमिंग वहाँ काम नहीं हुआ पीछे बैकग्राउंड में आपको एक्जैक्ट ओवरसीज़ ब्लॉक सी नज़र आ रहा है जो मैं वीडियो के शुरू में ऐड किया था और इस ब्लॉक के बिल्कुल बैक साइड पर ब्लॉक बी है एग्जैक्टिव का और ये जितना पार्ट नज़र आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये वाला जो सिल रिवर के साथ एडजस्ट पार्ट है ये एग्जैक्टिव ब्लॉक सी है बल्कि इनफैक्ट मैं आपको मैप मैपे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टिव ब्लॉक सी की लोकेशन क्या है और इसके चारों साइड्स पर कौन से ब्लॉक वाक्य हैं इस वक्त में इस वे कैपिटल स्मार्ट सिटी का मास्टर प्लान देख सकते हैं और जो मैंने साइट्स की जिन साइट्स की वीडियो बनाई है वो मैंने सारी साइट मार्क की हुए हैं उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो सबसे पहले देखते हैं जो एग्जेक्टिव ब्लॉक सी में बेसिकली जो साइट ट्वेंटी थ्री है जो ब्लॉक सी अभी एक, इसके मैं डिटेल्स एक्सप्लेन करूँगा कि इसके चारों साइड्स पर क्या वाक्य है ब्लॉक सी बेसिकली एक ब्लॉक है जिसमें सिर्फ पाँच मरला के प्लाट्स हैं और दूसरी कैटेगरी के इसमें जो प्लाट बनते हैं वो सात मरला के प्लाट यानी जो टोटल प्लॉट बनते हैं 125 ट्वेंटी फाइव स्क्वेयर यार्ड एंड 175 सेवेंटी फाइव स्क्वेयर यार्ड इसके अलावा यहाँ पे तीसरी कैटेगरी के प्लॉट जो हैं वो 30 बाय 30 के चार मरला कमर्शल प्लाट्स हैं तो अगर हम बात करें ब्लॉक सी की चार साइड्स की तो ब्लॉक सी की नॉर्थ साइड यानी ऊपर वाली साइड पे इसके ब्लॉक बी वाक्य है और ब्लॉक बी भी सिर्फ पाँच मरला के प्लाट्स हैं और इसके अलावा इसकी लास्ट वीडियो जो थी साइड ट्वेंटी की वो ब्लॉक बी के हवाले से थी अगर हम बात करें इसकी ईस्ट इस साइड पर तो ईस्ट साइड पर इसके सिल रिवर है और सिल रिवर के राइट साइड पर यहाँ जो थ्री पॉइंट फाइव मरला और फाइव मरला अपार्टमेंट्स बनने हैं हारनी पार्क ब्लॉक के वो एरिया आता है अगर हम बात करें इसकी वेस्ट साइड की तो वेस्ट साइड पे इसके ब्लॉक ई बनता है ब्लॉक ई में सिर्फ सेवन मरला के प्लॉट्स हैं जो कि जिस तरह ब्लॉक सी नॉन डिवेलप है इस तरह ब्लॉक ई भी टोटली नॉन डिवेल्प है अगर हम बात करें इसके साउथ साइड पर यानी नीचे वाली साइड पर तो इसके बनता है ब्लॉक डी और ब्लॉक डी में सिर्फ दस मरला के और बारह मरला के प्लाट्स हैं और कुछ यहाँ पे आठ मरला के कमर्शियल प्लाट्स हैं अब बात करते हैं जी ओवरऑल सेटेलाइट पे कि ये वाला एरिया पहले कैसे दिखाई देता था और अब कैसे दिखाई देता है ये इस वक्त एग्जैक्टिव ब्लॉक सी है जो मैंने मार्क किया हुआ है अगर आप कुछ अर्सा पहले देखें बल्कि इनफैक्ट मैं जितना भी पीछे चला जाऊँ ये एरिया सही होगा क्योंकि फ़ॉर द टाइम बिंग इसमें डेवलपमेंट का काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ और जब स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली मैं उसकी वीडियोज़ बना दूंगा फॉर द टाइम बिंग यहाँ पर डेवलपमेंट की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही इस वक्त हम स्क्रीन पे एग्जेक्टिव ब्लॉक बी की नॉर्थ साइड या आप कह लें कि शुमाली साइड देख सकते हैं और शुमाली साइड पे इस वक्त एग्जेक्टिव ब्लॉक बी वाक्य है और इस ब्लॉक में भी सिर्फ फाइव मरला के प्लॉट्स हैं चार मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं और इसकी अगर डिटेल वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मैं जैसे पहले बता चुका हूँ इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साइड ट्वेंटी टू टु, एक्जैक्टिव ब्लॉक बी और अभी जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये मगरबी साइड है यहाँ आप कह लें कि वेस्ट साइड और वेस्ट साइड पे जो बेसिकली ब्लॉक ई वाक्य है और ब्लॉक ई e सातमला के प्लॉट्स हैं उनके डेवलपमेंट का स्टेटस भी आपके सामने है एक अच्छी बात जो है ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट एक्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट वन के हवाले से कि इसकी लैंड सारी एक्वायर्ड है जहाँ आपको छोटे छोटे कमरे नजर आ रहे हैं जो मैंने अभी मार्क भी किए हैं कि इनकी बेसिकली एक प्रेजेंस है यहाँ पर यानी कि कमरे बनने का मतलब है कि यहाँ पर इस वक्त कैपिटल स्मार्ट सिटी के जो अपने गार्ड्स हैं वो रह रहे हैं बाकी डेवलपमेंट का स्टेटस है किसी इंडिविजुअल ने कमेंट किया था मुझे याद नहीं कि उन्होंने किया था कि एग्जेक्टिव ब्लॉक एक्जेक्टिव ब्लॉक के साथ सतीले बेटे वाला सलूक हो रहा है तो उनकी बात काफ़ी हद तक ठीक है कि एक्जैक्टिव ब्लॉक की डेवलपमेंट पहले ही जब बैलेटिंग हुई थी तो उस वक्त मैंने जैसे वीडियो के शुरू में वो एक इमेज भी शेयर की है तो उस वक्त कहा गया था कि एग्जैक्टिव ब्लॉक बी और ब्लॉक सी ट्वेंटी के एंड तक डिवेल्प हो जाएंगे मे बी uh, ना अभी तक तो मेरे सामने नहीं हुए मे बी फ्यूचर में अगले साल ट्वेंटी की जब टेंटेटिव डेट्स आएंगी ओवरसीज़ के ब्लॉक कम हों और एग्जैक्टिव ब्लॉक के ब्लॉक ज़्यादा हों अभी मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन जाहिर सी बात है जब उनकी डेवलपमेंट होगी तो मैं उसकी वीडियोज़ आपको आपके सामने शेयर कर दूंगा और इस वक्त आप इसकी ईस्ट साइड पे जो सिल रिवर है और सिल रिवर के राइट साइड पे जो बिल्कुल आपका जो अपार्टमेंट्स बने हैं थ्री पॉइंट फाइव मरला और फाइव मरला के अपार्टमेंट्स उसकी कुछ लैंड की क्लियरेंस आपको नज़र आ रही होगी राइट टॉप राइट कॉर्नर में और लेफ़्ट साइड पर जो चार मरला के कमर्शियल हैं एक्ज़ैक्टिव ब्लॉक बी में उसकी लैंड है और कल मुझे रशीद भाई के सब्सक्राइबर ने मुझे कॉल भी की थी कि मेरा प्लॉट एट लेन एट में है तो यहाँ पे थर्टी फ़ीट से फोर्टी फीट की फिलिंग होगी जब इसके बराबर करेंगे तो बेसिकली एक्जैक्टिव ब्लॉक में जितने भी ब्लॉक्स हैं इनमें फिलिंग नहीं होगी बेसिकली ये ऐसे एरिया कि जैसे जो शदीद डिप्रेशन वाला एरिया है वो भी है वो ग्राउंड लेवल से ऊपर है ग्राउंड लेवल पे आने के लिए भी उसको काफ़ी ज़्यादा मजीद नीचे करना लेवल खो खोदना पड़ता है तो वजह यह कि एक्जेक्टिव ब्लॉक ओवरऑल सारा बाकी ब्लॉक से नस्बत काफ़ी ज़्यादा हाइटेड है हाँ एक्जेक्टिव ब्लॉक में जितने भी ब्लॉक्स होंगे वो स्लोप वाले ब्लॉक होंगे एक तरफ से ऊपर से स्लोप नीचे की तरफ जारी होगी तो इस तरह ओवरऑल एक्जेक्टिव ब्लॉक का स्टेटस होगा सो व्यूज दिस बॉज इट फ्रॉम टुडे। मैं आज के वीडियो के एंड पे कमेंट्स शामिल नहीं कर सका क्योंकि वीडियो काफी लेंथी गई थी तो नेक्स्ट वीडियो में इनशाला मैं इस वीडियो के कमेंट्स और जो आपकी लास्ट वीडियो के कमेंट्स थे साइड ट्वेंटी टू के उनका आंसर करने की कोशिश करूँगा रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक तो के लिए खुदा हाफिज़